बाल के पीछे कर लिए। ये बेइज्जती किया नहीं तुमने, मैं, I'm just asking। तूने इतनी गंदी शक्ल आ गई कि मैंने कुछ ओह कहा। ये तो खुद ही बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और देखो आज मेरी एक फैन है, वो बहुत टाइम से मुझे कह रही थी, बहुत टाइम से कह रही थी कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपके साथ एक पिक्चर चाहिए और ये वीडियो बनानी है आपके साथ एक, तो मैं मिलवाता हूँ तुम्हें, तुम शायद ना जानते हो इसे। कितनी अच्छी लाइटिंग है, आई लव इट। ये कैमरे का फर्क है और शक्ल साइड में ना बहुत अच्छी है। अच्छा तो तू कह रहा है तेरी वजह से मुझे अच्छी लग रही है। हाँ कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मैं ये तुझे। मेरा फैन है जस्ट बाय द वे। किस एंगल कौन से गिड़गिड़ा रहा था मुझे तूने पिछले एक हफ्ते से कि मुझसे क्या? मिल लो। ओह मैं गिड़गिड़ा रहा बस था। नहीं क्या, ऐसा क्या उखाड़ा तूने जिंदगी में जो मैं तेरा फैन हूंगा? देखो ऐसे ही उखाड़ने की जरूरत नहीं होती। इसने टेम्पटेशन आइलैंड में झंडे गाड़े हैं बहुत ज्यादा। मैंने किसी से प्यार नहीं किया जी भी आपके अलावा। क्या बात कर रही है। नहीं देखो मैं, मेरी वाली सबको पता है, वैसे किसी को नहीं पता। आई एम 100% सिंगल। तो I'm 200% single, guys. ये इसका बंदा है, इसने बताया था मुझे, ठीक है। हो अच्छा कौन? वैसे ऑन अ सीरियस नोट, सच्ची सच्ची बताइए, मैं अच्छी लग रही है ऐसे बाल, इसलिए तो I have to remove the jacket. अभी से ही? Just to look nice on camera. हाँ तो सच्ची सच्ची बताइए, तुझे सही में प्यार हो गया था ना शो में? मुझे आपसे प्यार हो गया। हम तो मिले ही नहीं थे, मिले तो थे। और तुझे पता नहीं मैं शादीशुदा हूँ सही में। कैसे अब इतने क्यूट चेहरे से कैसे प्यार नहीं होगा? मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज आप अपनी। अच्छा तो आपकी 2024 से क्या चेतना है? तो हो गई यार मेरी जैसे लाइफ में, और भी बहुत सी चीजें हैं इम्पोर्टेंट, जैसे जैसे कि ऊपर करके आ रहा। हाँ तू कैसे भी देख ले, तू तेरी शक्ल नहीं बदलेगी, वो सेम ही नहीं रहेगी। तो ऐसे कौन पकड़ता है? ले मतलब तो खुद खुद पकड़ के खुद कर ले ले। हाँ मेरा हाथ छोटा है कटिंग। एक मिनट, व्लॉग बनाते तो यहाँ देखना होता है या यहाँ देखना होता है? तो एक दो आंख है तेरे पास, एक आंख से लेफ्ट पे देख कैमरे में और एक आंख से फोकस कर, ठीक ऐसे है। कैसे पॉसिबल है यार? जिन्हें तो बेवकूफ बना रहा है मुझे। अबे बेवकूफ बनाने की जरूरत थोड़ी कुछ है। क्या बोला तूने अभी कि तुझे क्या चाहिए? 2-3 बॉयफ्रेंड चाहिए होते हैं टाइम पास करने के लिए। ओ, मैंने तक कभी नहीं बोला। तो फॉर द रिकॉर्ड, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, कैसी लड़की है अभी? ऐसा जिबी है। हाँ ये लड़की बिल्कुल नहीं है फॉर द रिकॉर्ड, ठीक है। वो तो ठीक है बाकी, लेकिन कि वो बता ना अपने रिलेशनशिप स्टेटस एक क्यों बार। बताऊं मैं? Why you want to know? अभी तो तूने व्लॉग शुरू करने के टाइम ही बोला था I already have a boyfriend. हाँ? बट वो तू एक्सेप्ट नहीं कर रही ना। So I'm single till there is ring on the finger. है, देर इधर रिंग ऑन ये योर। खुद करी दी थी। ये नहीं भाई, ये इसके बॉयफ्रेंड ने दी थी, उस नहीं बेचारे ने कहा था कि इस पे, ये जो ये वाली रिंग फिंगर होती है ना, इस पे डालनी है, बट इसने हाँ लो, तो मैं डाल रही हूँ रिंग फिंगर पे, पर मैंने खुद ही ली थी। ये देखो झूठी है ये, एक नंबर की। क्यों मैं झूठ बोल के क्या इसके बिगड़ कम जो वो है ना, जमुना पार के 3 बॉयफ्रेंड है इसके, ठीक है। गए? सही में पता है मुझे, देख जेन्युइनली आ गई लाइन में, देख कहा था मैंने, कहा था देख इसकी शक्ल पे बता रहा हूँ मैं, जमुना पार से आगे इसको कुछ नहीं मिल सकता। शक्ल पे लिखा हुआ है जमुना, साउथ बॉम्बे का। देख और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो अंधा होना चाहिए, ठीक है, वो मिल सकता है तुझे। जो तो खुद अंधा है। तभी तो तू जाने दिया यहाँ। यू वर इनवाइटेड। ये कब हुआ? ये हुआ बट हमारे पास तो अभी है काम वाली, तो तू ये तो नहीं जाएगा। ये तू काम वाला। अभी जो 2 मिनट पहले इसकी बैक टू बैक रोस्टिंग हुई है नहीं, ना, दोबारा से ये शॉट ले, दोबारा से शॉट ले। और मेरे पास लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे। अरे तेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही, उसका कुछ करना पड़ेगा। अभी जो इस पे बैक टू बैक 2-3 लाइंस लगी है ना, तो उसका बदला लेना है इसे। चल तू ले बदला, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं एक और कहाँ से कर रही हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं 1% भी तुझे रोस्ट नहीं करूंगा, तो I'm leaving. तू कर दे मुझे रोस्ट, करना जैसे टेम्पटेशन आइलैंड पे किया था तूने सबको। ओ वो डरा नहीं था क्या? सॉरी क्या हो रही? डाला तो था, डरा था। दो ही बार रोस्ट किया दिवाली पे, दैट कितने कितने सेकंड का रोस्ट था? था मतलब सबके ऊपर एक एक जोक था, और लोगों ने सारा सारा दिया है। तो जो बोलना चाहता था कि तू बेटर रोस्टर है देन मी, ये बोलने की जरूरत है? नीडलेस टू से ओह माय गॉड, ये बोलने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें भी पता है कौन बेटर रोस्टर है, तुम खुद बता दो। मुझे बस तेरी बेइज्जती करनी है। कर कर कर, मैं शांत हूँ, तू बेइज्जती कर। मैं देखा
एक दिन बाल सेट नहीं हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी अपने काम पे जब तक मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर लेती। बोल दे कुछ ऐसा, बोल दे मैं पक्का कट नहीं करूंगा, पक्का डाल दूंगा। अब बाल के पीछे कर लिए, ये बेइज्जती क्यों? नहीं मैं, आई एम जस्ट आस्किंग। तूने इतनी गंदी शक्ल आ गई कि मैंने कुछ कहा? ये तो खुद ही बेइज्जती हो रही है यहां पे। ऐसे करते देख, मैं तुझे सिखा रहा हूँ, तेरे भले के लिए सिखा रहा हूँ। नोटबुक और पेन ले आओ। नहीं सर, कह रहा है एक बार नोटबुक और पेन। नहीं नहीं मैं अपने जो कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं ना वो उनका साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, चिंता मत कर, तुझे पूरा सिखा के भेजूंगा। क्या सिखाओगे सर? रोस्टिंग और कुछ नहीं। और कुछ आपको आता भी है लाइफ में? साढ़े पांच बजे सो के उठता है ये आदमी, इसको इस दिन का सूरज की किरण मैंने दिखाई है, ये बोल के कि मैं दिन में आऊंगी मिलने के लिए, मुझे कहता साढ़े पांच बजे आ मुझसे मिलने। तूने सूरज की किरण दिखाई है, किरण जब सिंगल होगी ना तब दिखाई है, अभी वो सूरज की है। Well, that's nice. अरे ये हर चीज तो मेरी हर चीज दैट्स नाइस करे कॉपी कर लेती है ये इसकी। अबे यार इतने ये बालों को क्या हो गया? परसों वी वर टॉकिंग और ये जो भी कुछ कुछ बकबक कर रहा था फोन पे, और इसने दो तीन अच्छे डायलॉग्स, मतलब दी लाइफ ही बताई इसने कि कितनी मिजरेबल है बेसिकली, तो मैंने उसको लिख लिया और मैं अपने वीडियो में यूज कर। तो अब इसके नेक्स्ट 10-15 जितने भी रील्स आएंगे, 10-15 नहीं एक ही, दो तीन जितनी भी आएंगी, उसमें समझ जाना कि वो रील्स का आइडिया किसने दिया है। अब अच्छी डालियो, पता चले बेइज्जती करवा दे मेरी। हाँ ढंग की डालियो, टेम्पटेशन आइलैंड पे तो करा दी तूने। रुक जाइए फिर से ले ले वाला शॉट, ये वाला, अबे ये वाला शॉट ब्लॉग चल रहा है भाई वो। हाँ तो बता ना वैसे ऑर्गेनिक ऑल ऑर्गेनिक ठीक है, ये तेरी वो इंस्टाग्राम की रील्स नहीं है जिसमें तो 15 टेक लेके एक शॉट देती है पर सेकंड। ओए तूने 15 टेक लिया अभी एक सेंटेंस बोलने के लिए? वो सेंटेंस तुझे पता कितना भारी सेंटेंस था? तू वहां तभी तो बोला नहीं है तेरे को। Exactly. Emotions डाली दी गई क्योंकि emotions है ही नहीं तेरे में, emotionally तो क्योंकि तू है ही unavailable ना। है ना, क्योंकि जो लोग ज्यादा डाल देते हैं फिर temptation आ जाएगा, ये हाल होता है उनका। और जो लोग बिल्कुल नहीं डालते उनका ये हाल होता है। बहुत अच्छा हाल हुआ भाई, बहुत अच्छा हाल हुआ। चुप रहे, बोल ना अब, ज्यादा इमोशन डालने में क्या होता है? कोई इमोशन नहीं, I'm telling you, मैंने कोई इमोशन डाले नहीं भाई। क्या वो डायलॉग क्या था कि नॉट अ सिंगल वर्ड, जेन्युइनली आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। अरे तो नाम थोड़ी ले किसी का, नहीं नहीं अच्छा बता वो नाला सुपारा वाले के बारे में बता क्या? नॉट नाला सुपारा, तू जा नाला सुपारा कुत्ते। अच्छा तेरे कितने बटी दादा पर्सन हो जाएगा? एग्जैक्टली व्हाई आर यू बीइंग करण? हु करण? कॉफी विद करण शूट कर ले जिस काम के लिए आई है, ये कट रहा है सारा, इससे कुछ नहीं जा रहा ये वाला। तेरे बॉयफ्रेंड का व्लॉग नहीं कि तू उसका काटती रहे और उसे फर्क ना पड़े? वो व्लॉग बनाता ही नहीं, एज अ रियल जॉब गाइस। रियल जॉब क्या? हमारी तरह नहीं है। क्या रियल जॉब है उसकी? वो बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरी बात हो गया। तो क्या है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट? नो। सिचुएशनशिप? नो। तो आई थिंक इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आई विल गो बाय इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा इसने एक्सेप्ट किया कि देयर इज समबडी इन हर लाइफ? There is somebody in everybody's life. No. But a good friend. A good friend. I would say he's my good friend. भाई जो भी इसका जिसके बारे में बात हो रही है संभल के रही हो, ठीक है? अभी भी तेरे को on a serious note भाई होने के नाते बता रहा हूँ। ये आलिया भट्ट के रूप में वो है। चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो लगती है। अब जोक्स रिपीट करने का टाइम आ गया क्या आपका? आप इतने अब अनओरिजिनल हो चुके हो, इतना अनओरिजिनल आदमी है ये। अभी इंस्टा पे रील बनाई है तो वो कहीं से कोट उठाया है और उसको ही उसको कोट को पढ़ के रील बना दी। मेरे को इतने ओरिजिनल हो आप जिमी, है ना? ये पिछले 3 साल से क्या कर रही है? मैं तो ओरिजिनल बनाती हूँ। क्या बात कर रही है, पहले सुनाई ओरिजिनल? और आई चैनल शूट कर लेते हैं, बहुत हो गया। इसका इंस्टा देख के बता देना एक बार कितना ओरिजिनल है, कितना। मुझे सब्सक्राइब, मुझे वो कर लो फॉलो, फॉलो कर लो और जीबी को अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज। मेरी ऑडियंस इसको ना रिपोर्ट मार दो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये आलिया भट्ट जैसी लग रही है कहीं से? बिल्कुल, तू सस्ता सिद्धार्थ मल्होत्रा लगता है कहीं से? मैंने तो कहा ही नहीं मैं सस्ता सिद्धार्थ मल्होत्रा हूँ। तो मैंने कहा बोला कि आलिया भट्ट लगती है? अबे हर जगह तो आलिया भट्ट, आलिया भट्ट एक बार देखना। ये सारे ने कॉम्प्लीमेंट किया था। ये तू तो आलिया भट्ट की फर्स्ट कॉपी भी नहीं है।
सेकंड कॉपी तो हूँ. तू तो जो वो है ना, जो कॉपी की भी कॉपी है. अरे एक्चुअली अब हुई मैं कॉपी की कॉपी. आई एम वेरी ऑनेस्ट गाइस, बेसिकली मैं आलिया भट्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर हूँ जब उसका लॉन्च हुआ था. तो वो तब अब उसका भी चेंज हो गया ना फेस काफी. आलिया फ्रॉम स्टूडेंट क्या था, कैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर से कैसे बस हूँ. अब मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं इस डिल्यूजन में जीना चाहती हूँ. सही में डिलुलू में दो यार. डिलुलू इज द न्यू सलुलू. तू इतना डिल देख पहले. हाँ. 5 दिनों से कौन डिल्यूजन में था कि महिमा आएगी मिलने के लिए. देख सच हो गई थी डिल्यूजन. कौन आएगी मिलने के लिए? महिमा. अबे इसको मेरे ये मैं बताता हूँ, इसे ना वो करना था. ये एक तो मेरी बहुत बड़ी फैन है. जो मैंने टेम्पटेशन आइलैंड पे रोस्टिंग की थी ना, उसकी बहुत बड़ी फैन हो गई थी. क्योंकि फैन नहीं, क्योंकि इसने कोशिश की थी बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस वहां लोग थोड़े से ज्यादा भावुक हो गए थे, तो इसलिए रोस्टिंग कर नहीं पाई थी अच्छे से. बट हम बदला, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं उस उन लोगों की जिन्होंने आपको रोस्टिंग करने नहीं दिया. आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं तो बस जैड को कहना चाहती हूँ. जैड मेरा आई हूँ यार. क्यों क्यूट है यार जैड? आई थिंक इट्स क्यूट नहीं है जैड, ही इज हॉट. मुझे तुम्हारे मिला में होना चाहिए था, मैं गलत मिला में थी. इसे जकूजी में जाने का मानना है. देखो ही इज हॉट. देखो जैड इज फर्स्टली ही इज कमिटेड, ठीक है. सेकंडली उस जो वो जैड जब भी किसी से पहली बार मिलता है वो सीधा जकूजी में मिलता है. हाँ? हाँ? तो अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ. अरे मैं गंदी लग रही हूँ इसमें. अरे तू पूरे व्लॉग में गंदी लग रही है. मैंने कुछ कहा इतनी देर से. नहीं इसमें तो बिल्कुल वो लग रही है, आलिया भट्ट की जो टूटी हुई जूती है वो. जूता मार रहा है जिमी. तेरे जैसों की तो लाइन लगवा दूं मैं. क्यों जेब काट के भाग दो हमारे जैसों की? इसके बाद मेरे जैसों की लाइन लगवा दो. मतलब क्या जेब कट रहे हो? कहते 3-3 आईफोन है मेरे पास. मेरे का चोरी करके लाया क्या एप्पल के स्टोर से? भाई 3 आईफोन कौन रखता है आप बताओ मुझे. 3 आईफोन वो रखते हैं जिनको लाइफ में बहुत ज्यादा काम होते हैं, बहुत चीजें संभालनी पड़ती हैं. और जैसे जो तुझे मैंने नंबर दिया हुआ है वो मेरा बिजनेस नंबर है, पर्सनली है. कुत्ता है. 100% पता है. 3 फोन इसलिए रखे हैं ताकि 3 लड़कियों से अलग अलग नंबर से बात कर सके.